आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल, और ये पिवट टेबल की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको समरी करना, समरी क्रिएट करना बताया था कि किस तरीके से हम समरी क्रिएट करते हैं पिवट टेबल के जरिए। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल में शॉर्टिंग, फिल्टर और ग्रुपिंग, मूविंग जो ऑप्शन होते हैं मिसलेनियस, वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम फिल्टर एक पिवट लगाते हैं यहाँ पे। पिवट हमने लगा दिया। अब पिवट में मान लीजिए कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का टोटल चाहिए, जो कि यहाँ निकल चुका है। तो यहाँ पे देखिए काउंट ऑफ सैलरी आ गया, काउंट ऑफ सैलरी नहीं आना चाहिए ना, तो इसको सम ऑफ सैलरी चाहिए। तो इसके साइड में जो आपका एरो निशान दिख रहा है, इस एरो निशान पे क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए और यहाँ पे सम को सेलेक्ट कर लीजिए एंड ओके कीजिए। उसके बाद देखिए सम आ जाए। तो शॉर्टिंग की हम बात करते हैं, तो अगर मुझे आपको ये डिसाइड करना होगा कि शॉर्टिंग कैसे करना है, मतलब कि आपको लेवल के अकॉर्डिंग करना है या शॉर्टिंग आपको करना है वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर मुझे लेवल के अकॉर्डिंग करना है तो मैं लेवल पे कर्सर रखूंगा और उस पर मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है शॉर्ट का ऑप्शन आएगा, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या सॉरी ए टू जेड या जेड टू ए क्लिक कीजिए, आपका डेटा शॉर्ट होगा। ऐसे वो बाय डिफॉल्ट हाईएस्ट टू लोएस्ट पे शॉर्ट होता है। ये आपका शॉर्ट होगा। एक सेकेंड, मेरा फाइल अपडेट नहीं हो रहा है, मैं एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करता हूं। तो 2 दिन से एप्लीकेशन कंटिन्यू चालू है ना, बंद ही नहीं हुआ, इससे दिक्कत हो रही है। डेटा पिवट टेबल में गया और मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट रख दिया और फिर यहाँ पे हमने सैलरी का टोटल रख दिया और फिर मैं आईटी को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। राइट क्लिक और यहाँ पे हमने शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू शॉर्ट हो गया। यार इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है आपको, शॉर्ट में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, या यहां से आप इसकी शॉर्टिंग कर सकते हो। तो शॉर्ट पे जाना है, शॉर्ट कर दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 लेजेंड है, जैसे कि मेरे पास मंथ को भी मैं इसके नीचे रख देता हूं, तब शॉर्टिंग कैसे होगा वो देखिए। अगर मैंने इसके अकॉर्डिंग आईटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया तो आईटी अपने हिसाब से शॉर्ट होगा, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट किया तो फिर सबका जो मंथ है सिर्फ मंथ शॉर्ट होगा, ये आपकी डिपार्टमेंट जो है वो जगह से नहीं हिलेगा। ठीक है सर। उसी तरह से मान लीजिए कि आपका कॉलन है, मैंने मान ले मंथ को रख दिया कॉलन, अब मुझे कॉलन के हिसाब से सॉर्ट करना है तो मैं कॉलन के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकता हूँ। राइट, तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों सॉर्ट होता है। तो प्रसून जी सॉर्टिंग समझ में आ गया आपको? सॉर्टिंग समझ में आ गया सर। अब इसे सपोज मूव करना है, जैसे अगर देखे मार्च स्टार्ट हो रहा है, मार्च
अब जैसे कि अब सॉर्टिंग तो होता है तो अल्फाबेटिक या नंबर के बिहाफ पे होगा, लेकिन मुझे सॉर्ट करना है इसके एक अपने हिसाब से। मैं चाहता कि फाइनेंस जो है सबसे ऊपर रहना चाहिए, आईटी सबसे नीचे रहना चाहिए। तो उस पर आप राइट क्लिक कीजिए, आपके सामने मूव आता है, मूव आई या फाइनेंस टू बिगिनिंग, आईटी टू एंड, या आप के एंड डाउन, अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, और उसी तरह से आप कॉलन को भी मूव कर सकते हैं, रो को भी मूव कर सकते हैं। तो आप राइट क्लिक कीजिए कॉलन पे और कॉलम की भी मूव, और इसमें भी मूव होता है कि आपको कहां जाना है। ठीक है, समझ में आया सर प्रसून जी मूव को? ये सर क्लियर है सर। तो हमने सॉर्टिंग एंड मूव को सीख लिया। अगला टॉपिक आता है हमारा फिल्टर। चलिए फिल्टर के बारे में सीखते हैं, और मुझे एक मिनट दे दीजिए सर, एक मिनट। सॉरी सर, चलिए स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। फिल्टर, अब फिल्टर देखिए, इसमें बेसिकली तीन तरह के फिल्टर होता है। पहला होता है हमारा रो फिल्टर, मतलब मान लीजिए कि इसमें से मुझे अगर किसी कंडीशंस पे, मान लीजिए मुझे सिर्फ फाइनेंस और सेल्स दिखना है, तो मैं सिर्फ फाइनेंस और सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे कि नॉर्मल फिल्टर में सिलेक्ट करता हूँ, मेरा उतना ही दिखेगा। लेकिन मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे कंडीशन चाहिए कि भाई जिसका मतलब कि यहाँ पे कि इक्वल डज नॉट इक्वल ग्रेटर देन लेस देन, तो यहाँ पे लेवल फिल्टर, माफ कीजिए लेवल फिल्टर की बात कर रहा हूँ मैं, इक्वल बिगेन विथ एंड विथ कंटेन, जैसे हमने यहाँ पे कंटेन बोल दिया जिसमें ए है, जिसके नाम में ए है वो दिख जाए। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंस सेल्स अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग सिलेक्ट हो गया, सब में ए करेक्टर है। इस तरह की कंडीशन पे आप जो है लेवल फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग फिल्टर करना है, तो लेवल फिल्टर के ही बगल में आपका वैल्यू फिल्टर होगा, तो वैल्यू फिल्टर को ले सकते हैं। जैसे मुझे टॉप 10 चाहिए तो हमने टॉप 10 ले लिया, या टॉप मैं चाहता हूँ कि मुझे टॉप 3 होना चाहिए, टॉप 3 को सिलेक्ट करके ओके किया तो हमारे पास ये टॉप 3 आ गया। ये तो हमारे रो फिल्टर हो गया। अब हम बात करते हैं कॉलम फिल्टर की। तो कॉलम फिल्टर यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक कॉलम फिल्टर होता है। मान लीजिए मुझे कोई मंथ मार्च और अक्टूबर नहीं चाहिए, तो मार्च और अक्टूबर को मैंने अनचेक कर दिया एंड ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए मार्च और अक्टूबर नहीं, तो जो सिलेक्ट जो मंथ नहीं सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे हमको नहीं दिखेगा। ठीक है सर, और इसमें भी हमारे पास लेवल है, लेवल फिल्टर, मतलब कि जो ये जनवरी फरवरी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे विगन बीथ एंड बीथ वगैरह वगैरह जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू पे चाहिए, तो मैंने मान लीजिए कि टॉप 10 में, मान लीजिए मैं टॉप 3 फिर भी चाहता हूँ, टॉप 3 सिलेक्ट कर लिया, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा टॉप 3 मार्च दिसंबर अप्रैल टॉप 3 सिलेक्टेड है। तो टॉप 3 में इसके अकॉर्डिंग गया, और अगर रो वाइज है तो इसके अकॉर्डिंग जाएगा। ये हमारा कॉलम फिल्टर था। और तीसरा फिल्टर होता है हमारा पेज फिल्टर। तो चलिए पेज फिल्टर के बारे में भी जानते हैं।
यहाँ परफॉर्मेंस स्कोर को उठाएंगे और परफॉर्मेंस स्कोर उठा के फिल्टर में रख देंगे। ऊपर देखिए परफॉर्मेंस स्कोर आ गया। इस परफॉर्मेंस स्कोर के बगल में यहाँ पे देखिए आपके सामने, मैंने अगर मान लीजिए दो को सिलेक्ट करके ओके किया, यहाँ जितने भी डेटा है उसमें सिर्फ दो ही सिलेक्ट होगा, बाकी सिलेक्ट नहीं होगा। जितने भी दो है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा पेज फिल्टर, मतलब कि ओवरऑल डेटा इसी से इफेक्टेड होता है। क्लियर है सर? किसी को डाउट फिल्टर में? तो सॉर्टिंग, फिल्टर, मूविंग, तीन चीज हमने कवर की। अब बात करते ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग में जैसे मान लीजिए कि मेरा जो है सेल्स और मार्केटिंग, तो ये दोनों अलग अलग टीम है, लेकिन डेटाबेस हम इसको एक ही मानते हैं। तो हमने, मैं चाहता हूँ इन तीनों का सेल एक साथ दिखना चाहिए। तो हमने कंट्रोल या कंट्रोल दबा के हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक कीजिए और आप कीजिए ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप वन आ गया, और यहाँ रो में देखिए डिपार्टमेंट टू और डिपार्टमेंट दिख रहा है। तो आप डिपार्टमेंट को यहां से हटा दीजिए, डिपार्टमेंट टू रहने दीजिए, और ये जो ग्रुप वन है इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप इसमें दे लीजिए कि सेल्स एंड मार्केटिंग एंटिटी। इस तरह से आप दो टेक्स्ट को, सॉरी हमने चेंज किसी और का आरएनडी कर दिया, ग्रुप को करना चाहिए सेल्स एंड एमकेटी। ठीक है सर? कोई डाउट सर? हेलो? नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर। अब जैसे कि अब एक ही और हम करना चाहते हैं, मैं एक और फिल्टर लगाता हूँ यहाँ पे। फिल्टर में पिवट टेबल पे जाता हूँ, और फिल्टर में मान लीजिए कि यहाँ हमारे पास ए है, सैलरी है। तो सैलरी को उठा के हमने रो में रख दिया। मुझे स्लैब चाहिए कि 20,000 से 30,000 वाले कितने हैं, 30,000 से 40,000 वाले कितने, ऐसे स्लैब चाहिए मुझे। तो मैंने क्या किया कि सैलरी को यहाँ रखा एंड नेम को रख दिया वैल्यू में काउंट करने के लिए। और फिर मैं नेम नंबर जो हमारा था उसके ऊपर राइट क्लिक किया और ग्रुप कर दिया। तो यहाँ ग्रुप करेंगे तो आपको क्या होगा, सबसे मिनिमम और यहाँ आपका मैक्सिमम दिख जाएगा। मिनिमम 20,000, मैक्सिमम अपने आप उठा लेगा। आप इसको आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से जीरो भी कर सकते हो, और यहाँ 10,000 का आता है, इस पे आप 20,000, 25,000, 30,000 अपने हिसाब से रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है सर? इस तरह से आपका नंबर ग्रुप हो जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं डेट की ग्रुपिंग की। तो मैं चाहता हूँ क्यों कितने कौन से माने कौन से क्वार्टर के किस महीने में कितनी ज्वाइनिंग हुई है, ये हमें पता करना है। लेकिन हमारे पास डेट ऑफ हायरिंग है, तो मैं पिवट टेबल लगाऊंगा और हायर डेट को रख दूंगा किसमें, रो में, एंड फुल नेम को रख दूंगा यहाँ। तो इस तरह से ईयर वाइज ऑटोमेटिक डेट जो होगा ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज आपका हो जाएगा। लेकिन आपको अपने हिसाब से करना है तो राइट क्लिक कीजिए, पहले तो अनग्रुप कर दीजिए ताकि डेट हो जाए सारा, फिर उस पर राइट क्लिक कीजिए और आप ग्रुप कर दीजिए। तो ग्रुप में मुझे चाहिए मंथ एंड ईयर, तो मंथ और ईयर को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए ईयर आ गया, और मैं ईयर वाइज आ गया, बट ईयर यहाँ नहीं रखना चाहता, ईयर को मैं रखना चाहता हूँ कॉलन में। तो उठा के आप इसको कॉलन में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ईयरली रिपोर्ट आपको दिख जाएगा। या फिर मान लीजिए मुझे मंथली नहीं चाहिए, मुझे 15-15 दिन का गैप चाहिए, तो आप इस पे जो है ग्रुप पे जाइए और यहीं पे आपको डेज सेलेक्ट कर लीजिए। तो सिर्फ डेज को ही सिलेक्ट करना होगा। तो तब तक आपका नंबर ऑफ डेज हाईलाइट हो जाएगा, और यहाँ पे आप दे दीजिए 15। अब 15-15 दिन का यहाँ पे देखिए आ गया, ये आपका ग्रुप है। तो ग्रुप में तीन होता है, नंबर, टेक्स्ट और आपका डेट एंड टाइम। सुन में आ गया? हेलो? यस सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो
ग्रुपिंग सॉर्टिंग मूविंग एंड फिल्टर, क्लियर है? क्लियर है सर? एक बार अब इसका प्रैक्टिकल करके कुछ फाइल बना के भेजता हूँ सर आपको कल सुबह। हाँ, इसको बना के भेजिए, फिर मैं आपको पिवट टेबल में कैलकुलेशन सिखाऊंगा। अगला टॉपिक जो हमारा वो कैलकुलेशन का है, तो कैलकुलेशन तभी सीखिए जब इसकी आप प्रैक्टिस कर ले। तो कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन के ऊपर, पिवट टेबल के अंदर किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं।